इविक्शन होना चाहिए अरमान का? देखिए अरमान को तो घर से बाहर होना चाहिए। दीपक चौरसिया का चांसेस है विकेट गिर जाए, तो अरमान को निकालना चाहिए। दीपक चौरसिया एक आइडियल है। एक्चुअली इविक्शन होना चाहिए अरमान का, लेकिन वो लोग करेंगे नहीं क्योंकि उनको चाहिए मसाला। खैर मसाला तो सबको चाहिए शो में, लेकिन अगर वोटिंग के आधार पर देखें तो सबसे फीके खिलाड़ी दीपक चौरसिया जी साबित हो रहे हैं, क्योंकि शिवानी अपना फेम अलग लेके बैठी है, वो भी हिट पे चल रही है। अरमान अपना फैन अलग लेके बैठा है, विशाल की खैर फैन फॉलोइंग है ये हमने देख लिया जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है। और कौन है नॉमिनेट में? कटारिया है, कटारिया एल्विश आर्मी लेके चल रहा है, तो कुछ नहीं ये सारी चीज़ें तो निकल जाएंगे। अब दीपक चौरसिया जी यहाँ पे गए हैं फर्स्ट, उनकी कोई आर्मी नहीं है, जो है उनके फैन बूढ़े जो उनको देखते तो जो फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो इसमें सीधा सीधा दीपक जी का गेम है तो ये दिख रहा है। या फिर दीपक जी अगर अच्छा कंटेंट देते रहेंगे तो नो इविक्शन, बच जाएंगे सब, सबके सब। अब देखो दीपक जी को ही निकालना है उनको, नॉमिनेशन बिग बॉस है ना, पूरी स्क्रिप्ट रची जाती है, जो कंटेंट देता है ना उसको हमेशा आगे लेके जाते हैं। अब देखो बेबिका जैसे लोग इनकी फैन फॉलोइंग क्या है, फैन फॉलोइंग आप चैनल पे काम करते हो आपको पता है कि इनकी फैन फॉलोइंग है। आप शिवानी का इंटर शिवानी विशाल इनको ज़्यादा क्यों स्टोरी कवरेज करते हो, क्योंकि आपको पता है इनके नंबर्स है। मैंने आज तक किसी ने नहीं दीपक चौरसिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके फैन बेस नहीं है, तो पूरा फैन बेस का गेम है ये वाला, आर्टिस्ट तो है नहीं। तो इस हिसाब से बिग बॉस के लिए इस वक्त निकालना सबसे कमज़ोर कड़ी दीपक चौरसिया है, जो कंटेंट नहीं दे रहे, जिस हिसाब से बेबी का कुछ नहीं फैन बेस था उसको लास्ट तक लेके, क्योंकि खेल अच्छा रही थी, वोट मायने नहीं करते अगर कंटेंट दे रहे हो तो सीधी सी बात है हमारे गुरु दीपक चौरसिया जी का यहाँ पे गेम हो सकता है अगर वो अच्छा खेल रहे, क्योंकि बिग बॉस इतना मैं फॉलो नहीं कर रहा है, बस ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ। तो दीपक चौरसिया जी इस गेम में सबसे कमज़ोर खिलाड़ी दिख रहे हैं और उन्हें एविक्शन का शिकार होना पड़ सकता है। अगर जो हिंसा का प्रयोग हुआ है तो ये बहुत ही छोटी सी सजा है, ये तो हम तो देखते हैं ये फैन बेस का गेम है, अभी तो ये पहले ऐसा नहीं रहा कि आके पर्सनालिटी दिखाएं और गेम जीते हैं, ये तो फैन बेस का गेम हो गया है, तो ये कोई सजा नहीं हुई उनके लिए क्योंकि पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, तो कभी भी उनका विकेट गिर नहीं सकता ऐसे, तो वो तो टॉप 5 कंटेस्टेंट हैं ही, वो साइलेंटली सबको पता है, अनलेस अनटिल घर वालों के हाथ में कोई पावर ना जाए या कुछ एक्सटर्नल पावर बाहर वाले के हाथ में ना जाए तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कोई सज़ा नहीं हुई, सज़ा देनी है तो उनको एविक्ट कर दो और एग्जाम्पल सेट कर दो कि इस तरीके का हरकत कोई भी करेगा तो उसका ये परिणाम होगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन हो, तो ये तो सब लोग मार के गेट अवे हो जाएंगे क्योंकि मेरा फैन बेस है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता है। और ये जो उनको सज़ा दी गई है वो जस्टिफाइड नहीं है, कम लग रही है मुझे, पर नॉमिनेशंस में आप बोलेंगे एविक्शन का पूछेंगे अगर जो, तो बहुत हद तक दीपक चौरसिया का चांसेस हैं, बिकॉज उनका जो है ये इशू है क्योंकि वो कोई ऐसा फैन बेस लेके नहीं आते हैं, उनको टीवी पे देखने वाले ज़्यादातर मैच्योर ऑडियंस हैं या अलग तरीके की ऑडियंस है जो ये शायद नहीं देखती है। अभी समझ लो मेरे ग्रैंडफादर ही, वो भले दीपक चौरसिया को देखते हो, उनकी न्यूज़ सुनते हो, पर जाके उनको बिग बॉस में नहीं देखेंगे, तो उनका इस एक सैम्पलिंग मेथड से समझें तो उनके वोट शेयर बहुत कम होंगे, और ये जो कि वोटिंग का गेम है जैसा अगर बोलते हैं, अगर जो ऐसा है तो ये दीपक चौरसिया का बहुत हद तक चांसेस है क्योंकि उनकी विकेट गिर जाए। पांच लोग नॉमिनेट हैं, विशाल नॉमिनेट हैं, अरमान नॉमिनेट है, शिवानी, कटारिया और दीपक जी नॉमिनेट है, क्या लगता है? मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अरमान को निकालना चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि भाई वो कंटेंट अभी दे चुका है अच्छा खासा, काफ़ी ये कंटेंट चल रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम जिधर भी ट्रेंडिंग में अरमान विशाल चल रहे हैं, तो विशाल तो अरमान ये लोग नहीं निकलने वाले। रही बात कटारिया की, तो भाई इतनी बड़ी एल्विश आर्मी है वो नहीं जाएंगे, अगर उनको भाई घर वाला बाहर वाला या कभी भी सीन हुआ तो निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते इनको। और रही बात निकालने वाली, तो मुझे लगता है कि दीपक सर को निकालेंगे ये लोग क्योंकि उनका कंटेंट उतना मिल नहीं पा रहा है इनको। थैंक यू सो मच। विशाल पांडे का, अरमान मलिक का, दीपक चौरसिया जी का, शिवानी कुमारी का, देखिए आपने जो भी जिक्र किया शिवानी जी के बारे में बताना चाहिए, वो गांव की एक लाडली बिटिया है जैसे कि पूरे देश में हाईलाइट हुई है, कहते हैं भारत की आत्मा गांव बसती है, वो गांव की एक मतलब होनहार बेटी,
जिसने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं मुंबई जैसे शहर में आऊँगी, पहले पर्दे पर आएंगी, वो टीवी पे कभी भी आने का पूरे मतलब कभी जिक सोचा ही नहीं होगा सपने में। तो बिटिया को हम सपोर्ट करते हैं। और दीपक चौरसिया का आपने जिक्र किया, दीपक चौरसिया जो है हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत लंबी पारी, यानी कम से कम वो 40 दशक जो है 40 सालों से मीडिया में हैं, और तमाम लोग देख करके उनको एंकर हुए हैं, तमाम लोग देख कर रिपोर्टर हुए हैं, तमाम लोग देख करके उनको मीडिया सेक्टर में अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। तो दीपक चौरसिया एक आइडियल है और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है तमाम ऐसे काम किए हैं, तमाम खोजी पत्रकारिता किए हैं, तमाम उन्होंने स्कैम लोगों को सामने लाया है। तो ऐसे लोगों को जो है बिग बॉस में जो है बने रहना चाहिए। देखिए अरमान को तो घर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसी के ऊपर हाथ छोड़ने का अधिकार नहीं, जैसे हमने आपको बताया हमारा एक संवैधानिक अधिकार होता है कि अगर किसी से कोई आपको शिकायत है, अगर कोई अपनी बात रखता है तो हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपनी बात को हम रख सकते हैं। लेकिन आप बात के बदले किसी को थप्पड़ मारना, जज्बात में आकर के किसी के करेक्टर पे जाना, ये सब निजी हमला करना, और कहीं ना कहीं मतलब ये उसी हरकत है। अरमान को बिल्कुल अरमान को जो है घर से बाहर होना चाहिए। थैंक यू।